हम सब तैयार हैं सुबह सुबह कैंप में जाने के लिए। सुबह तो क्या, दोपहर के 11 बज चुके हैं, लेकिन मौसम जो है वो सुबह जैसा हो रहा है। रेडी प्रदीप? बिल्कुल बिल्कुल, शुभारंभ हो गया है। जय माता दी, घंटी बज गई है। गर्मी बहुत भयंकर है और हम चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए। आज नहीं है बारिश का, ऐसे में है नहीं, एक वेदर पे दिया है ना कि आज, पर आज मैं बारिश करवाऊंगी। पहले तो कोहरा ना, ये वो एडवेंचर वाला है ना बच्चों का जो, ये कहां आ गए हम, यही साथ 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 चलते हैं। चलो काम करवाओ, कढ़ाई इंतजार कर रही है। तुम लोग भी पिकनिक पे आए हो, मतलब ऐसे खड़े हो जैसे कि दूल्हे की बारात में आए हो तुम लोग यहाँ पे, और हम सारे यहाँ पे बैठ के खानसा में खाना बना रहे हैं। हाँ, यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है भजियों की, और रानू भजिया एक्सपर्ट मिर्चियाँ धनिया काट रही है। उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है, भजिए जैसी शक्ल हो रही है। और देखो प्रदीप मठे का टेस्ट, और दीप्ति धनिया अच्छे से करना। हाँ, टीचर बैठ के काम करवा रही है। लाओ हमें भी मठा दे दो थोड़ा सा। प्रदीप देखो, मैंने मौसम से बात कर ली और बादल आ गए। संभालना मुश्किल हो जाएगी। वाह, ये मस्त मस्त मठा अब हम पियेंगे। चीयर्स। बहुत अच्छा, कितनी थोड़ा सा टेस्ट की ली घर का है। भजिए का घोल तैयार हो चुका है और यहाँ कढ़ाई चढ़ चुकी है। कढ़ाई को सीधी करो। तो रानू अब जो है भजिए बनने की शुरुआत हो रही है, और भजिए का पहला लॉट इसके अंदर जाने वाला है। तेल उबाले मार रहा है, और ये गया भजिया, ये आलू का गया, ये प्याज, और ये प्याज वाला जा रहा है। ये देखो दो भूखे भेड़िए कैसे बैठे हुए हैं। भाजी भाजी, और इन्हें तो मतलब ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, और ये देखो ये बेचारे हमारे पंखा कर करके आधा हो चुका है। जाओ भाजी, 2 इंच बाय 1 इंच के बनने चाहिए सर। जाओ अपनी बीवी को हवा दो। ये दिन भी देखने दे। देखो सिलेंडर पे गिरा दिया भजिया। कोई बात नहीं, खाना ऐसे ही होती है। कुशल ग्रहणियों की निशानियां। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मस्त वाली। पति ऐसा हो, पति हो तो ऐसा है, पति हो तो ऐसा, वरना नहीं है। क्या क्या किया था? 7-8 इन्होंने फोड़े, 7-8 मैंने बगल का फोड़ खा लिया। ये बर्तन धोते थे, मुझे गुस्सा आई, मैं रोज मना कर रही हूं। मैंने उठा के सब कांच के बर्तन ही फोड़ दिए। बताओ, एक ये फोड़े तो एक मैं फोड़ू, मतलब कंपटीशन इतनी जबरदस्त है कि बर्तन, पुराने सब बर्तन क्लियर। ये हो गया तुम्हारे, तुम्हारे कभी कोई झंझट हुआ तो ये वीडियो काम आ जाएगा कि दोनों ने बराबरी से फोड़े थे। क्या वीडियो बंद करेगी फिर कहानी सुनाओ। हाँ हाँ हाँ।
कड़ी हो गई है तैयार हमारी। क्या हुआ? मंकी मंकी डरा दिया। लंगूर डॉगी अलर्ट था ना, इसलिए मैंने देखा ही था। ये तोड़ा लंगूर, वो रहा लंगूर, ये रहा। खाना हमने तुरंत समेटा, कर चुका होता तो 500 इकट्ठे हो गए थे। वो सब बुला लेते हैं, हम डर जाते हैं सारे। वो छोटे बड़े हर साइज के सब जगह से कूद कूद के, तुम बचा भी नहीं पाते। वो ऐसे करते हैं, ऐसे एक्शन करते, करेंगे कुछ नहीं, डरा देते हैं आदमी, डर जाता है। अब इधर आए ना लंगूर, और देना। ये हमारा पूरी का आटा तैयार हो रहा है। काट दूं? तैयार, अब इसमें डलेंगे मस्त भजिए, कुरकुरे वाले चावल कड़ी के साथ में। अभी हम पुलाव की तैयारी भी करेंगे, डाल दो इसमें। यस, भजिए वाली कड़ी लाओ, डालो पूरा डालो। इसको ही खाना खा लेंगे, इसको धो के रख लो, इसी पे खाना खा लेंगे। ये खाना खाने के लिए प्रिया पत्ते तोड़ कर लेके आई है। देखो हम पत्तल में खाना खाएंगे आज। जीरा, जीरा, ये है खड़ा मसाला, और है अंदर है। सच में बहुत टेस्टी है, और अभी खाई भी नहीं है पर टेस्टी है। पुलाव की रंगत देखिए, क्योंकि इसमें जो प्यार का तड़का है। अब हम जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं वो साइड इतनी सुंदर है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पर सड़क से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, ये बहुत पास है। और यहाँ इतना सुंदर जंगल है, चारों तरफ बड़ी ही शांति है, हरियाली है। यहाँ पर एक देखो आप नाव रखी हुई है इतनी अच्छी, और इसका ट्रैक्टर को ट्रॉली घसीटने वाला कुछ तो भी ऐसा कुछ लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है, सोचते हैं। इधर नाव भी है, क्योंकि यहाँ के आसपास में डैम है, वीरपुर डैम, उसके आसपास हम लोग हैं। बड़ा ही सुंदर जंगल है ये, यहाँ पर इतना सुकून है। हाँ अभी पूरे अंदर के जंगल में जाना है हमको, अभी पहले जाना पड़ेगा अंधेरे के पहले पहले। अभी हम पीछे के जंगल में भी जाएंगे, जहाँ यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा पॉइंट है देखने के लिए। नीचे पानी भी है, शायद ये बोट यहाँ पर इसीलिए रखी हुई है कि भोपाल के आसपास इतने अच्छे अच्छे जंगल हैं कि ज़रूरत ही नहीं कहीं बाहर जाने की। प्रकृति की इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, और यहाँ हमारी कैंपिंग चल रही है। सब लोग इस मौसम का जो सबसे अच्छा चीज़ बारिश के मौसम का, जो हम प्रकृति के बीच में आते हैं, तो जो हमको ग्रीन कलर के जो वेरिएशन शेड्स दिखते हैं, मैनी वेरिएशंस, बहुत सारे, मतलब सो ब्यूटीफुल। ये कलर्स में अगर हम बनाना चाहें तो मिल भी नहीं सकते, इस तरह के कलर बन ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो आते हैं और वो चले जाते हैं तो बहुत खूबसूरत। और ये देखिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर किलर लुक में फोटो खिंचवा रहे हैं सब मिल करके। ये देखिए सारे लगे हुए हैं और गाना गा रहे हैं ये लोग, हंसो और हंसाया करो। और इसमें हम भी शामिल हो चुके हैं, गीत गाया करो।
कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हजार हसाया करो। मेरे पुलाव की क्या कंडीशन है जरा देखिए, पुलाव उगल रहा है। करता हमारे चूल्हे को जैसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो है चकला बेलन लाना भूल चुके हैं, तो हमने उसकी देखिए जुगाड़ निकाली है। चकले की जगह हमारे पास है ये प्लेट और बेलन की जगह ये डिब्बा, और अब इस डिब्बे में हम चल रहे हैं, बना रहे हैं पूरी। देखिए हमारी अब पूरियाँ कितनी अच्छी गोल गोल बन रही हैं डिब्बे से भी। आवश्यकता ही आविष्कार की जमीन, ये हमने भी साबित कर दिया। देखिए कितनी अच्छी पूरी बन गई थी यार, ऐसे ही रोटियां बन रही हैं। और हाथ से थे तल के, हमारा तेल आ चुका है शायद, वो लोग हाथ से तो करती हैं अभी भी। और ये हमारी पूरी जो है वो लोग तो हाथ से यालन से करती ही नहीं है भैया, ये बड़े बड़े वो मोटे मोटे भी बनाते हैं। यार कोई चम्मच नहीं लाया क्या? वाओ हमारी पूरी देखो, पूरी पहली पूरी फूल गई है, वो प्लास्टिक वाली अच्छी मजबूत वाली है। बधाई हो, देखो फूली हुई पूरी। अरे देखो सिपाही हो, हमारी फूली हुई पूरी। नेग रखो नेग, और चलो नेग रखो इसको और तलने देते हैं आज तेज करते हुए। अब हमें कोई डर नहीं कि हमारी पूरी नहीं बन पाई। मस्त मजा आ रहा है, अभी हम लोगों ने गर्म गर्म थाली परोस ली है। ये देखिए आप अपना अनुभव शेयर करें। बहुत बढ़िया कड़ी, बहुत बढ़िया पूड़ी, अरे बहुत बढ़िया छचुंदर और कचुंबर डोकरी। मैं खाना बना अच्छा है, सब डर गए। देखो कितना प्यारा है, वहाँ पर पूरा पानी है, जंगल में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर पानी है इतना अच्छा, इतना प्यारा पिकनिक स्पॉट ये था, सबसे प्यारा पॉइंट था ये कैंपिंग का, हम यहाँ आ सकते थे। आ रहा नहीं, गाड़ी तो नहीं आती, आ जाती है, हाँ आ तो जाती। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, सो ब्यूटीफुल कलर्स स्काई।